अगर फ्रेंड के आप जानते हैं हमारे मोबाइल में एयरफोन नहीं आता है, अगर जितनी भी कंपनियां सही कंपनियां अपने फ़ोन के साथ एयरफोन देती हैं, बाकी सारे इसके संग एसेसरीज देती है। एमआई क्या है, सारी एसेसरीज देती है लेकिन अपने मोबाइल संग एयरफोन नहीं देती है। अगर उसके मोबाइल में 3.5 mm का जैक है तो उसको एयरफोन भी देना चाहिए। सो फ्रेंड क्यों नहीं देती है, डिटेल में आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। सो फ्रेंड उससे पहले क्या करना होगा, आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वेट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप देख सकें वीडियो से पहले। सो फ्रेंड अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड अगर जितनी मोबाइल कंपनी है अपने सही मोबाइल के साथ एयरफोन देते हैं, लेकिन फ्रेंड एमआई का मोबाइल एक ऐसा है जिसमें एयरफोन नहीं आती है। किस तरीके से नहीं आती, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा भी है और ये घटना मेरे साथ भी घटी है। क्या होता है, अगर जितनी भी कंपनियाँ होती हैं उनके मोबाइल का एयरफोन फिर काफ़ी अच्छी रहती है एमआई के मोबाइल की अपेक्षा। तो फिर एमआई जो 3.5 mm का जैक दिया गया है वो काफ़ी नॉर्मल सा दिया गया है, जो कि ज़्यादा आप अगर उसमें लीड लगाएंगे ज़्यादा बार तो वो टूट जाता है। अदर कंपनी के मोबाइल हैं उसमें आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती है, एमआई के मोबाइल में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। आपने देखा होगा एमआई कंपनी में सस्ते दामों में क्या मिलता है, क्योंकि उसमें काफ़ी हल्का हार्डवेयर रहता है, उसमें काफ़ी ऐसा हार्डवेयर रहता है जो कि आपको देखने में अच्छा रहता है और रीजनेबल रेट में आता है, इसलिए सभी लोग उसे लेने की इच्छा करते हैं। लेकिन अदर कंपनियों के हार्डवेयर काफ़ी महंगे आते हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाले होते हैं, लेकिन एमआई के हार्डवेयर क्या है, सस्ते होते हैं और काफ़ी शॉर्ट टाइम में चलने वाले होते हैं। एमआई के मोबाइल में काफ़ी अधिक हैंगिंग प्रॉब्लम आने लगी है। सो फ्रेंड उसमें क्या होता है, ये स्टोरेज देते हैं जो वो सफिशियंट नहीं रहता है हमारे मोबाइल के लिए। इनका 16 GB का जो वेरियंट है उसमें 8 या 9 GB की तकरीबन स्टोरेज तो इनका मोबाइल ही ले लेता है, जो इनका सॉफ्टवेयर है वह इनका 8-9 GB ले लेता है जो कि इसमें रन करता है। लेकिन फ्रेंड अदर कंपनियों के मोबाइल में ऐसा कुछ नहीं है, अदर कंपनियों के मोबाइल में जो स्टोरेज आता है वो काफ़ी ठीक आता है और उसमें कार्ड की फैसिलिटी भी रहती है। इनके मोबाइल में ज़्यादातर जो अभी तक मोबाइल आए थे उन मोबाइलों में कार्ड की फैसिलिटियाँ नहीं रहती हैं, उनमें क्या रहता है आपका एक सिम या एक कार्ड लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो दो सिमों को यूज़ करेंगे तो आपको कार्ड की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। सो फ्रेंड इनका ये काफ़ी गलत तरीका है। सो फ्रेंड इन्होंने क्या किया है, सस्ता हार्डवेयर ला के मॉल को काफ़ी सस्ता कर दिया है, जिससे कि इंडिया के लोग हमारे लालच में आ जाएं। लेकिन फ्रेंड इनका मॉल काफ़ी बेकार मोबाइल है, इससे अच्छे थे अदर कंपनी का मोबाइल लेना जो काफ़ी बेटर मोबाइल रहेंगे। सो फ्रेंड नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपके एयरफोन में कोई प्रॉब्लम आई हो तो। सो फ्रेंड काफ़ी मेरे फ्रेंड हैं जिनके एम आई के मोबाइल में यह प्रॉब्लम आई है और बेसिकली सभी मोबाइलों में ज़्यादातर यही प्रॉब्लम आती है। सो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे आप देख सकते वीडियो से पहले। सो फ्रेंड अभी के लिए इतना ही, अगर फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो साथ, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।